7th edition of Midday Auto Expo रे बॉलीवुड सेलिब्रिटी विवेक ओब्रॉय को उपस्थिति कार लवर्स मानको बेस उत्साहित करितला। मुझे लगा कि मिडडे जो इतना बढ़िया ग्रुप है, जागरण ग्रुप है, मीडिया वाले हमारे जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे इवेंट्स को अभी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आके हम अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें, उनका हाथ बटा सकें, तो आई थॉट दैट्स समथिंग दैट आई शुड कम इन एंड सपोर्ट बोथ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड आवर फ्रेंड्स इन द मीडिया। पिलाटी बेलो गाड़ी रे तांकर बहुत शौक अच्छी, किंतु पेट्रोल एंड डीजल रो रेट पाई इलेक्ट्रॉनिक बाइक एंड कार उपरे अधिक गुरुत्व देबाकू से अनुरोध करथिले। हमारे यहाँ सूर्य की किरणों की कमी नहीं है, हम सोलर पावर में वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। सोलर पावर हमारे यहाँ इतना सस्ता होते जा रहा है, जब दुनिया में महंगा हो रहा है पावर का दाम, बिजली का दाम महंगा होते जा रहा है, हिंदुस्तान में सस्ता होते जा रहा है सोलर पावर का दाम। हम पहले सुनते थे 8 रुपये 16 रुपये पर यूनिट, आज हम 2 रुपये 2.5 रुपये में भी लोग टेंडर जीत रहे हैं। तो इट्स बिकमिंग ह्यूज इन इंडिया एंड हिंदुस्तान की आज की तारीख में 6 से 7 लाख करोड़ की ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट की बिल होती है। हमारे कमाए हुए डॉलर्स बाहर जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि देखो डॉलर कितना ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि हम तेल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अगर वो तेल हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव एंड वी शुड टर्न इलेक्ट्रिक सून। निजे ड्राइवर सीट रे बसी फोटो पाई पोज देवा बेले निजो पिला दिनर स्मृति चारण करथिले विवेक ओब्रॉय। मुझे याद है कि मेरे पिताजी की एक छोटी सी फिएट होती थी, हैदराबाद से जो लेके आए थे, मुंबई में उसको डुक्कर फिएट कहते थे, डुक्कर यानी कि पिग, तो पिग की तरह दिखती थी छोटी सी, उसको डुक्कर फिएट कहा करते थे, छोटी सी होती थी। मुझे याद है कि उस ज़माने में धुआं निकल जाता था कि अगर रेडिएटर में पानी डालना भूल गए तो वो भी अभी याद है मुझे। अब तो वो सारी चीज़ें यू नो इट्स जस्ट गॉन, बट मुझे याद है कि हम लोग लोनावला जाते वक्त साइड में उतर के कपड़ा बांध के कैसे डैड वो रेडिएटर का कैप खोलते थे और हम लोग धीरे धीरे करके उसके अंदर पानी डालते थे। तो ये सारी चीज़ें एक बचपन की यादें हैं। मुझे याद है कि वो गाना निकला था मनु भाई की मोटर चली पम पम पम, तो मेरा फेवरेट होता था गोदी में बैठ के जब भी पम 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 होता था तो हॉर्न बजाना पम पम पम। तो इतनी सारी छोटी छोटी यादें हैं। ता सहित अमेज़न प्राइम रे तांका आगामी सिनेमार रिलीज विषय रे सम्यक सूचना देथिले। जिन लोगों की आधी आधी में अटकी थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया, जैसे अभी इनसाइड एज 3 है, तो इनसाइड एज 3 का फाइनली हम प्रमोशन करने उतर रहे हैं और अगले क्वार्टर में उसका रिलीज भी हो जाएगा, तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट ऑन अमेज़न प्राइम। शो जो 3rd सीज़न है वो रेडी है, लोग एक्साइटेड हैं इसको लेके, वैसे भी क्रिकेट का बुखार वापस हिंदुस्तान में आ चुका है, तो वी आर एक्साइटेड अबाउट रिलीजिंग दैट वेरी सून। एंड प्री रिलीज जो हम प्रमोशंस करते हैं वो प्रमोशंस की शूट हम शुरू कर रहे हैं।